हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू सक्सेस एच पी टूडे वी आर गोइंग टू डू लेसन इलेवन हॉप अ लिटल हॉप मीन्स कूदना उछलना अ लिटल मीन्स थोड़ा जैसे थोड़ा सा कूदो थोड़ा सा उछलो है ना दिस इज द मिनी ऑफ द लेसन उछल कूद करना कि थोड़ी सी उछल कूद करो ठीक है इन द रीडिंग देर इज आ पिक्चर द चिल्ड्रन आर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज सारे बच्चे जो अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं कोई कूद रहा है कोई स्विमिंग कर रहा है कोई ये जैसे बैडमिंटन खेल रहा है कोई बुक रीडिंग कर रहा है कोई राइडिंग कर रहा है ठीक है स्किपिंग कर रहा है सारे बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं उछल कूद कर रहे हैं अपना ठीक है फॉर द टीचर ये जो इंस्ट्रक्शन है वो टीचर के लिए दी गई है ए एस के आस सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन टी ओ टू एल डबल ओ के लुक ए टी एट ई पी आई सी टी यू आर ए पिक्चर आस चिल्ड्रन टू तो लुक एट द पिक्चर। बच्चों को तस्वीर की तरफ देखने के लिए, के लिए कहना है टीचर्स ने एंड दी एंड एंड मींस और एस ई ए के स्पीक एल ओ यू डी अलाउड एस ई एन टी ई एन सी ई एस सेंटेंसेस स्पीक अलाउड सेंटेंसेस और वाक्यों को लाउड बोलना अलाउड मीन्स ऊंची आवाज में बोलना है कि, किन सेंटेंसेस को एस यू सी एच सच एस एस सच एज मीन्स जैसे कि मीन्स इन्होंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं इन सेंटेंसेस को ऊंची आवाज में बोलना है आपने आई एल आई के ई लाइक पी एल ए वाई आई एन जी प्लाइ प्लेइंग आई लाइक प्लेइंग मुझे खेलना पसंद है आई एल आई की ई लाइक S W I डबल -M, M I N G स्विमिंग I like swimming मुझे तैरना पसंद है स्विमिंग करना पसंद करना तैरना I L I K E like H O -P, P I N G hoping I like hoping मुझे उछलना पसंद है जैसे कूदना उछलना छलांग लगाना E P C सेक्ट्रा सेक्ट्रा मीन्स और भी बहुत आई एन इन आर ई एस पी ओ एन एस ई रिस्पॉन्स टी ओ टू टी एच ई दू यूएस टी आई ओ एन क्वेश्चन इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन रिस्पॉन्स मींस किसी का जवाब देना ठीक है जवाब देने के लिए क्वेश्चन का प्रश्न का किन प्रश्न का उत्तर देना है ऐसे आई लाइक स्विमिंग आई लाइक होपिंग आई लाइक प्लेइंग ये किस प्रश्न का उत्तर होगा इस प्रश्न का डू यू लाइक डब्ल्यू एच ए टी बट डी ओ डू वाई ओ यू यू एल आई के ई लाइक वट डू यू लाइक आपको क्या पसंद है आपको क्या पसंद है इसमें आप इसका आंसर बच्चे कैसे देंगे जैसे आई लाइक प्लेइंग आई लाइक स्विमिंग आई लाइक स्लिपिंग आई लाइक रीडिंग आई लाइक राइडिंग ठीक है कुछ भी आपका स्पर हो सकता है जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है ई एन सी ओ यू आर ए जी ई इनकोज टी एच ई एम डैम टी ओ टू टी ई डबल एल टेल टी एच ई द

बच्चों को इनक्रेज करना है कि वो अपनी क्लास को बताएं कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है जैसे आई लाइक प्लेइंग आई डोंट लाइक राइडिंग ठीक है मुझे राइडिंग करना पसंद नहीं है मुझे रीडिंग uh, पसंद है मुझे ये पसंद है ये नहीं पसंद है आपने अपनी पसंद और नापसंद बतानी है अपनी अपनी क्लास में अब ठीक है तो नाउ वी विल डू नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज पीज नंबर सेवेंटी वन हर रिसाइट रिसाइट में पीछे बोलना फॉर द टीचर ये टीचर इंस्ट्रक्शन के लिए टीचर बच्चों को कहेंगे आर ई सी आई टी ई रिसाइट टी एच ई दी ओईम पोइम डब्ल्यू आई टी एच विद पी आर ओ पीई आर प्रॉपर ए सी टी आई ओ एन एस एक्शन ए एन डी एंड

गाना है पीछे पीछे बोलना है उसके बिल्कुल सही जो सही प्रॉपर उसके एक्शंस के साथ क्रिया के साथ और गेस्टर वही हाव भाव के साथ मीन्स आपका फेस के हाव भाव भी वैसे ही होने चाहिए और एक्शन भी पोइम के अकॉर्डिंग होने चाहिए ए एंड आस्ट चिल्ड्रन टू रिपीट इट आफ्टर यू और बच्चों को कहना है कि वो आपके पीछे इस पोईम को बोले ठीक है पहले मैं इसको लेटर बाय लेटर रीड करूंगी ताकि आपको अच्छे से वर्ड मेकिंग आने लग जाए इसकी वर्ड कैसे बनाते हैं आपको आने लग जाए ये सब चीजें ठीक है तो बाद में मैं इसको सिर्फ वर्ड बाय वर्ड रीड करूंगी गाऊंगी ठीक है पहले इसको लेटर बाय लेटर देखते हैं वर्ड मेक करते हैं एच ओ पी हॉप अ एल आई डबल टी एल ई लिटल हॉप आ लिटल थोड़ा सा कूदो एच ओ पी हॉप अ एल आई डबल टी एल ई लिटल एच ओ पी हॉप अ एल आई डबल टी एलिटल हॉप आर लिटल हॉप आर लिटलो थोड़ा सा कूदो थोड़ा सा उछलो जैसे आप कह देते थोड़ा सा उछलो थोड़ा सा उछलो ओ एन वन टी डबल यू ओ टू टी एच आर डबल इ थ्री वन मींस एक टू मींस दो थ्री मींस तीन एच ओ पी हॉप अ एल आई डबल टी एलिटल एच ओ पी होल आई डबल टी एल little hop a लिटल थोड़ा सा कूदो थोड़ा सा कूदो जैसे थोड़ा सा उछलो F एफ ओ यू आर फोर फोर मीन्स चार एफ आई वीई फाइव पांच फाइव मीन्स पांच एस आई एक्स सिक्स सिक्स मींस छे आर यू एन रन A l i एल आई डबल टी एल run a little run means दौड़ना थोड़ा सा दौड़ो p skip a l i double t l a e little skip a little skip करना जैसे थोड़ा सा रस्ता कूदना तो थोड़ा सा रस्ता कूदो e d bend a l i double t l एल e little बेंड आर लिटल बेंड मीन्स झुकना थोड़ा सा झुको एस टी आर ई टी सी एच स्ट्रेच और एल आई डबल टी एल स्ट्रेचल मीस अपने थोड़ा सा खींचना जैसे अपने शरीर को खींचना टीई एन टेन ए टी एट एल ए एस टी लास्ट कहते टेन एट लास्ट दस बिल्कुल लास्ट पे बिल्कुल एंड पे वाई डब्लू एन यल आई डब्लिटल एस एल डबल ई पी स्लिप और एल आई डबल टी एलिटल स्लीपिटल थोड़ा सा सो थोड़ा सी अंगड़ाई लो थोड़ा सा सो जाओ आई एन इन वाई ओ यू आर ट इन यू आर कोट कार्ट क्या होती है चार पाई अपनी चार पाई में सो जाओ पी एल एल आई डबल प्ले अ लिटल थोड़ा सा खेलो जे यू एम पी जम्प a एल आई डबल टी एल ए लिटल जम्प आर लिटल जम्प करना छलांग लगाना कहते थोड़ी सी छलांग लगाओ ओ एंड ऑन टी एच ई O ओ E rope ऑन द rope रोप क्या थी है रस्सी रस्सी के ऊपर अभी इसको गैस्टर के साथ एक्शंस के साथ हम करेंगे हॉप अ लिटल a अ लिटल वन टू थ्री a लिटल hop अ लिटल फोर फाइव सिक्स Run a little, skip a little, seven, eight, nine. Bend a little, stretch a little, ten at last. Yawn a little, जैसे अंगड़ाई लेते हुए yawn a little, sleep a little, face के नीचे से हाथ जोड़ के लगाने आपने yawn a little, sleep a little, in your cot.

Four, five, six, run a little, skip a little. Seven, eight, nine, bend a little, stretch a little. Ten at last, yarn a little, sleep a little in your coat. Play a little, jump a little on the roof. Comprehension now on the next page, page number seventy two for the teacher P O I N T point T O two E A C H O F of T H e the F O W -L, L O W I N G following P I C T U R E S pictures. पॉइंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स कहते पॉइंट करना है पूरा ध्यान देना है उस पर उस पर मुख्य आधार देते हुए नीचे दिएगी पिक्चर्स को ठीक है कि नीचे जो पिक्चर दी गई है उनको मुख्य रखते हुए ठीक है ए एन डी एन और ए एस के आस सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन आस चिल्ड्रन बच्चों को कहना है या बच्चों से पूछना है डब्ल्यू एच ई टी वट आई एस ईज टी एच द सी एच आई एल डी चाइल्ड डी ओ आई एन डूंग आई एन इन टी एच ई दी आई सी टी यू आर ई पिक्चर वट इज़ द चाइल्ड डूइंग इन दिक्चर वट इज द चाइल्ड डूइंग इन दिक्चर वट मीन्स क्या इज द चाइल्ड चाइल्ड मीन्स बच्चा डूइंग मीन्स कर रहा है इन द पिक्चर तस्वीर में बच्चों से पूछना है ये टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है टीचर बच्चों से पूछेगी कि इस पिक्चर को मुख रखते हुए ठीक है बच्चा क्या कर रहा है इस पिक्चर में इस पिक्चर में क्या कर रहा है इसमें क्या कर रहा है इसमें क्या कर रहा है इसमें क्या कर रहा है ठीक है सभी पिक्चर के बारे में पूछेंगे वन बाय वन एफ टी आर आफ्टर ई सी आई वी आई एन जी रिसीविंग आर ई एस पी ओ एन एस रिस्पॉन्स एफ फ्रॉम सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन कहती आफ्टर रिसीविंग रिस्पॉन्स फ्रॉम चिल्ड्रन बच्चों के से रिस्पॉन्स रिसीव करने प्राप्त करने के बाद ठीक है बच्चों का जो उत्तर है वो प्राप्त करने के बाद ई डबल एल टेल टी एच सी एल ए डब्ल एस क्लास बच्चों को बताना क्लास को बताना है टी एच दी एच आई एल डी चाइल्ड आई एस इज एच ओ डबल पी आई एनजी होपिंग ए एन डी एन एसओ सो ओ एन ऑन द चाइल्ड इज होपिंग बच्चा होपिंग कर रहा है जिसे उछल कूद कर रहा है एंड सो ऑन और भी बहुत कुछ जैसे वो नाच रहा है वो गा रहा है वो आ, स, आ, किस चीज़ की सवारी कर रहा है वो भाग रहा है सो रहा है जो भी एक्टिविटी है पहले बच टीचर इट्स फॉर टीचर कि पहले बच्चों से पूछना है कि इस पिक्चर में क्या कर रहा है बच्चा रिस्पॉन्स देगा वो बताएगा वो गलत है या सही है ठीक है ये उस डिपेंड करता है अगर कर सही है दैट इज ओके दैट्स टू फाइन अगर नहीं भी सही है तो आप बताओगे बच्चों को कि बच्चा इसमें क्या एक्टिविटी कर रहा है जैसे फर्स्ट है फर्स्ट में बच्चा उछल कूद कर रहा है उछल रहा है तो चाइल्ड इज होपिंग द चाइल्ड इज होपिंग सेकेंड में चाइल्ड क्या कर रहा है चाहे गर्ल है बॉय है दोनों के लिए चाइल्ड चाइल्ड मीन बच्चा बच्चा गर्ल भी हो सकती है ठीक है बॉय भी हो सकता है तो सेकंड में क्या है चाइल्ड इज स्कीपिंग स्कीपिंग मीन्स रस्सी कूद रहा है रस्सी कूदने को स्कीपिंग बोलती हैं। ये जो लड़की है वो क्या कर रही है छलांग लगा रही है जंपिंग ठीक है ये हाथ ऊपर लगा के छलांग लगा रही है इसका पैर ऊपर ऊपर को है ठीक है तो द चाइल्ड इज जंपिंग ये जो लड़की है ये अंगड़ाई ले रही है ठीक है, सॉरी झुक रही है ये ठीक है इस पिक्चर में हाथ ऊपर अंगड़ाई की तरह है, पर इसका सिर भी झुका हुआ है मतलब ये झुक रही है जैसे कोई एक्सरसाइज के लिए झुकना या फिर कैसे भी ये झुक रही है तो दैट इज बैंडिंग ठीक है चाइल्ड इज बैंडिंग इसमें लड़की सो रही है द चाइल्ड इज स्लीपिंग इसमें बच्चा भाग रहा है द चाइल्ड इज रनिंग

THE the -O -L -L -O F-O-L-L-O-W-I-N-G following W-O-R-D-S words E L O U D allowed E N D and E S K and -S -E children T O two R E, -P -E, -E repeat T H E M टी F T E R after, Y O U U Speak the following words जो नीचे दिए गए फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं वर्ड्स में शब्द अलाउड अलाउड में जोर जो से ऊंची आवाज में कहते जो नीचे वर्ड दिए गए हैं उनको ऊंची आवाज में बोलना है And means और ask चिल्ड्रन आस चिल्ड्रन बच्चों को कहना है टू रिपीट देम आफ्टर यू कहते हैं इन डेम मींस उन्हें जो वर्ड आप, आप बोलोगे ठीक है तो बच्चों ने भी आपके पीछे पीछे वो वर्ड बोलने हैं चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मैं इनकी मीनिंग बताते हुए ठीक है लेटर बाय लेटर इसको रीड करती हूँ आर इी रीड रीड मीन्स पढ़ना डब्ल्यू आर आई टी ई राइट राइट मीन्स लिखना एफ एल वाई फ्लाई फ्लाई मीन्स उड़ना आर आई डी ई राइड राइड मीन्स सवारी करना जी यूएम पी जम्प जम्प मींस छलांग लगाना एस एल डबल ई पी स्लीप स्लीप मीन्स सोना एस डब्ल्यू आई एम स्विम स्विम मीन्स तैरना डी आई वीई डाइ डाइव डाइव मीन्स डुबकी लगाना पानी में गोता लगाना डुबकी लगाना D R I V E Drive, Drive means जैसे गाड़ी चलाना. S K I P Skip, Skip करना जैसे रस्सी कूदना, that is Skip. Okay? I repeat. R E A D Read, W R I T E Write, F L Y Fly. R I D E Dite J U M P Jump S L W -E, e P Sleep S W I M Swim D I V E Dive D R I V E Drive S K I P Skip. Now we will do next phase. Activity one for the teacher.

जो बिंदियों को मिला के ये लेटर बनाए गए हैं उनके ऊपर ट्रेस करना है ट्रेस करना है जैसे पेंसिल घुमानी है उसके ऊपर जी आई वीई गिव टी एच ई एम दैम एम ओ आर ई मोर पी आर ए सी टी आई सीई प्रैक्टिस गिव देम मोर प्रैक्टिस उन्हें और प्रैक्टिस देने के लिए अच्छे से उसको आपको राइट करना आ जाए उसकी प्रैक्टिस करने के लिए इसके ऊपर आपने पेंसिल घुमानी है ताकि ये जो लेटर है आपको अच्छे से आने लग जाए वैसे आपको आई नो कि टीचर्स ने आपको इंग्लिश की जो भी नोटबुक है उस पर करवाया है इसकी प्रैक्टिस करवाई है फिर भी यहाँ पे मोर प्रैक्टिस के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए इसको करना है जैसे डी फॉर डॉग तो ऐसे ये जो डॉट्स हैं उनको ज्वाइन करना है आपने D for donkey. Okay. Next है S for sun. ठीक okay. है तो ये कौन सा लेटर है S तो ये हमारे पास है S, इसको अच्छे से पेंसिल को घुमाना है ये जो इंग्लिश के लेटर होते हैं वो तीन लाइनों में लिखी जाती हैं। आई थिंक यू नो दिस थिंग वेरी वेल ठीक है तो आप सभी बच्चों ने ये पेज नंबर सेवेंटी थ्री ऑन योर बुक ठीक है सभी ने अपनी अपनी पेंसिल से ठीक है इसको अच्छे से डॉट्स को ऐसे ज्वाइन करके लेटर की जो है डी और एस दो जो लेटर हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से ओके नाउ On the next page and the last page of this lesson, Activity Two for the teacher: ESK -I -L -D -R E S K ask DRE and children. T O two L double look E T at T H E the P I C. P I C T -U R E सी pictures, E N D N N A M E name, T H E M them, E L O U D aloud. Ask children to look at the picture and name them aloud. कहते बच्चों को कहना है कि वो इन तस्वीरों की तरफ देखे और उनके जो नेम है उनको लाउड बोले अलाउड मीन जोर से बोले ऊंची आवाज में एन इ एक्स टी नेक्स्ट नैक्स्ट मीन आगे इ एस के आस टी एच इ एम दम टी ओ टू एन ए एम इ नेम टी एच द एल इ डबल टी इ आर लेटर इ एन डी एन एस ओ यू एंड साउंड डबल्यू आई टी एच विथ डबू एच आई सी एच विच इ ए सी एच इच एन ए एम ई नेम बीई जी आई एन एस बिगेंस आस्क दैम टू नेम द लेटर कहते बच्चों से कहना है कि वो जो लेटर का नाम है जैसे डी है और ऐसे ये बताना है एंड साउंड साउंड इनसे क्या जो वर्ड मेक हो रहा है जैसे डॉग और सन ठीक है ये जो इनके वर्ड्स हैं जो इन लेटर से क्रिएट हो रही हैं ठीक है थीके? बन रही है उनको बताना है ठीक है फर्स्टली है पिक्चर्स के नाम है जो उस वो उनका लाउड बोलना है डॉग सन डी डी फॉर डॉग डी ओ जी डॉग डॉग मींस कुत्ता एस एस फॉर सन एस यू एन सन सन मीन्स सूरज फॉलो अप फॉर द टीचर ये जो एक्टिविटी है इसकी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि टीचर बच्चे को क्या बताएंगे एच ई एल पी हेल्प सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन टी ओ टू जे ओ आई एन ज्वाइन टी एच ई द डी ओ टी एस डॉट्स ए एन डी एन सी ओ एल ओ यू आर कलर टी एच ई द पी आई सी टी यू आर ई एस पिक्चर्स हेल्प चिल्ड्रन टू ज्वाइन द डॉट्स बच्चों की मदद करनी है ये डॉट्स को ज्वाइन करने में एंड कलर द पिक्चर और कलर पिक्चर को कलर करने के लिए ये तस्वीरें जो दी गई हैं उनको कलर um, करने के लिए जैसे बैट है बॉल है रॉकेट है ठीक है तो ये ये सा, सारी चीजें इनको हमने अलग अलग पहले तो इसकी डॉट्स ज्वाइन करके इनको शेप देनी है और बाद में इनमें कलर फिल करना है तो मैं आपको इसकी हिंट देती हूँ इसको पूरा कलर नहीं करूंगी बट आपको हिंट दूंगी इसका प्रॉपर कि आपने कैसे करना है बेटे ये ये है बैट है तो इसकी ये ज्वाइन करेंगे डॉट्स तो इसके लिए सभी के लिए जब डॉट्स डॉट्स आपने ज्वाइन करनी है तो आपने ब्लैक जो स्केच है उसका यूज करना है क्योंकि इसके ऊपर और स्केच भी चलेगा तो भी ये शो होगा ठीक है तो ये हाइड नहीं होता ब्लैक कलर ये देखिए तो ऐसी जैसी बैट है तो मैंने ये बैट की शेप बना दी है बिल्कुल आपने ऊपर ऊपर जाना है इसकी ताकि इसकी जो शेप है वो खराब ना हो जहां पे भी, भी आपको डॉट दिख रही है आपने उसके ऊपर ऐसे ब्लैक स्केच का यूज करना है ये देखिए ये जो बीच वाले कलर है आपको इनका कलर बैट सभी बच्चों ने देखा होगा घर पे ठीक है तो जो भी कलर सूट करता है इनको आपने यहाँ पे फिल कर देना जैसे यहाँ पे ब्राउन कलर फिल कर सकते हैं आप ठीक है यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे कलर वो फिल कर देना इसके हैंडल के लिए ये जो बॉल है पहले हम इसको ब्लैक करेंगे ऐसे ये देखिए थोड़ा सा भी हिले ना कि इसकी शेप ना खराब हो ठीक है तो ये ऐसे थ्री लाइंस है ये जो लाइन है बीच वाली वाइट ही आप छोड़ देना एक बार ये जो दोनों है वाइट छोड़ देना और ये अलग अलग करके कलर की कर देना है ऐसी ये रॉकेट है इसको और इसको आपने फिल करना है ठीक है तो जैसे मैं इसको ज्वाइन करके दिखा देती थोड़ा से ज्वाइन करना आपने तो जैसी ऐसी इसकी ये राउंड शेप बीच में जगह बचनी चाहिए ये नहीं कि सारा एक ही कर दो आप दैट्स रॉन्ग ऐसे करना है और बीच में एक डिफरेंट कलर फिल करना है आपने कोई ये जो इसकी सेंटर है इसमें ये हमने ऐसे लाइनें लगानी है ठीक है ऐसे चेक्स बना के ऐसे ही इसको छोड़ देना है ठीक है ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस बन रहे हैं वाइट इसमें आपने कुछ भी फिल नहीं करना ओके ओनली ये जो ब्लैक डॉट्स है ज्वाइन कर देना और नेट क्रिएट कर देना इसका ठीक है और इसकी भी ऐसे ही करना है अपने ऐसे से इसको बना देना है बट बीच में इसके अंदर कोई भी कलर आपने फिल नहीं करना ठीक है बेटे जैसे ये जो बन रही है तो इसके अंदर आप कोई भी कलर फिल नहीं करोगी ओके यहाँ पे इसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे वाइट छोड़ दोगे इसमें जैसे ये है इसमें भी आप कोई भी कलर फिल नहीं करोगी इसको ऐसे ही शेप देके ही छोड़ दोगे ओके बेटी बस इसके ब्लैक ब्लैक डॉट्स कर देनी है आपने कंप्लीट ज्वाइन कर देनी है बट इसमें आप कोई भी कलर फिल नहीं करोगे बस ब्लैक डॉट्स को ही ज्वाइन करना अपने ब्लैक स्केच के साथ ठीक है इसकी भी ये आप सारा ब्लैक कर सकते हो और ब्लैक शुड जैसे ये इसको ऐसे ब्लैक कर सकते हो सारा ही आप ठीक है ऐसे अपने इसको ब्लैक कर देना है ठीक है बेटे आई थिंक आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा ये हमारी रीडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और एक्टिविटीज भी ऑल हमारी डन हो चुकी हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर इट मोर एंड मोर एंड फॉर माय न्यू वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू सो मच